आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। इस बार वट सावित्री व्रत शुक्रवार के दिन है, हमें उस दिन बहुत अच्छे से अपना श्रृंगार करना चाहिए, हमें दुल्हन की तरह सजना चाहिए और दुल्हन की तरह सजकर हमें बट वृक्ष के नीचे जाकर बट सावित्री व्रत की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि उस दिन यमराज जी ने सत्वान के प्राण हरण कर लिए थे, तो सती सावित्री जी ने सत्वान यमराज जी से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए हर सुहागल स्त्री को बटे वृक्ष के नीचे सत्वान सावित्री और यमराज की पूजा करनी चाहिए जिससे कि उनका सुहाग अमर रहे। अब मैं आपको पूजन विधि बता रही हूँ। सुबह उठिए, स्नान ध्यान करिए और अपना 16 श्रृंगार कीजिए। उस दिन हमें दुल्हन ही बनना है और दुल्हन की तरह सजकर बट वृक्ष के नीचे जाइए और उनको जल अर्पण कीजिए, अक्षत चंदन पुष्प चावल अर्पण कीजिए और घी का दीपक जलाकर उनका पूजन कीजिए। 16 उपचार तरह माने हर तरह से हमें बट वृक्ष का पूजन करना चाहिए और कच्चा सूत ले जाना चाहिए घर से और उसकी हमें 12 बार परिक्रमा करते हुए और लपेटते जाना चाहिए धागे को और कहते जाना चाहिए कि हे माँ, जिस तरह आपने अपने पति की रक्षा की उसी तरह हम पूजन कर रहे हैं, हमारे पति की लंबी आयु करिए, हम सदा सुहागन रहें। उसके बाद यमराज के लिए 2 हमको बांस के टोकना ले जाना चाहिए और 1 टोकना में यमराज के लिए 7 तरह के गेहूँ चना ज्वार बाजरा जो भी आपको अनाज मिल सके 7 अनाज रख लीजिए एक छोटे से बांस के टोकने में और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिए और यमराज की पूजा कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हमारे पति की लंबी आयु हो और हमारे पति की आप रक्षा करें और 1 बांस के टोकने में हमें अपने सुहाग का सामान रखना चाहिए, चूड़ी बिंदी और सिंदूर जो है महावर और भी जो आप रखना चाहें वो रख के बट सावित्री जी की पूजा कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि माँ हमारे सुहाग को अमर करो, हमारे सुहाग की रक्षा करो। इस तरह से हमें बट सावित्री के दिन बट के पेड़ के नीचे दोनों की पूजा करनी चाहिए और उस दिन बढ़िया पकवान बनाए और हो सके मिल सके तो ये गूलर जो बरगद का फल होता है, फल ना मिले तो उसकी बॉडी थोड़ी सी लेकर और सुहागन औरतों को व्रत वृक्ष के नीचे ही उसको खाना चाहिए, जल से सीधा ही मोटक जाना चाहिए। इस तरह से हमें वट सावित्री का पूजन बड़े विधि विधान से करना चाहिए। इस बार यह शुक्रवार 19 मई को वट वृक्ष की पूजा हमें करनी है। आप अपने पति की रक्षा के लिए यह पूजा अवश्य करें। इस पूजा से धन धान और पुत्र पौत्रादि सभी प्राप्त होते हैं। सुनिए जरूर दादी की छोटी छोटी जो दादी को ज्ञान है वो दादी आपको देना चाहती है ना, इसलिए इसको सुने जरूर, वीडियो पूरा ही सुने और हो सके तो दादी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।